दोस्तों चटपटी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर मशरूम विद मलाई। तो यहाँ पर मैंने ली है, ये मशरूम ली है मैंने, देखिए सभी को मैंने धो लिया है अच्छे से। और 150 ग्राम मैंने यहाँ पर फ्रोजन मटर ली है, हम ताज़ा मटर भी ले सकते हैं। और 3 टमाटर लिए हैं, 3 मैंने हरी मिर्च ली है और 2 मैंने बड़े प्याज यहाँ पर लिए हैं। तो सबसे पहले हम प्याज का ग्राइंडर में एक पेस्ट बना लेते हैं और फिर हम टमाटर का भी पेस्ट बनाएंगे इसी तरीके से। तो पहले मैं ग्राइंडर में प्याज डालकर इसका पेस्ट बना लेती हूँ। और सब्जी ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। ओके, टमाटर और मिर्च का पेस्ट हम बाद में बनाएंगे, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है ये भी हम यूज करेंगे। तो पहले हम प्याज को ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए प्याज को मैंने ग्राइंड कर लिया है और अभी भी ये थोड़ा सा, मतलब पूरा पेस्ट नहीं बना है। तो अब हम इसमें काट देते हैं टमाटर। और इसी में ही हम काट देते हैं हरी मिर्च। अब इसका हम फिर से एक बार ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेते हैं। देखिए बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनके तैयार हो गया। अब हम क्रीम के अंदर पहले ही मसाले भिगो के रख लेते हैं। ये मैंने घर की मलाई ली है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। और इसको मैंने पूरा अच्छे से पेस्ट बना लिया, इसका मतलब इसको घोल लिया है अच्छे से। और अब इसमें हम सभी मसाले डाल लेते हैं। तो मैं 1/2 टेबल स्पून ले रही हूँ नमक और 1/2 टेबल स्पून ही लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून मैं ले रही हूँ धनिया पाउडर और 1/4 टेबल स्पून हम ये ले रहे हैं हल्दी। और अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून ही मैं इसमें डाल रही हूँ ये कश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखी नहीं होती है लेकिन इससे सब्जी में कलर अच्छा आता है। तो इन सबको पहले हम मिक्स करके रख देते हैं और उसके बाद हम प्याज को भूनना शुरू करेंगे। इसको सबको अच्छे से पहले मिक्स कर देते हैं। मसाला हम कई बार ऐसा होता है कि पानी में, मतलब हम क्रीम नहीं यूज कर रहे होते हैं तो हम पानी में भी उसमें भिगो के रख सकते हैं, इससे कि मसाला अच्छे से पहले फूल जाएगा तो तरी में बहुत गाढ़ा बनाने में भी हेल्प करता है, प्लस अच्छा भी लगता है, हमें बहुत कच्चा सा नहीं लगेगा, अलग ही टेस्ट देता है सब्जी में। तो ये हमने सभी मसाले अच्छे से इसमें क्रीम में भिगो दिए हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुकर में ये 1 बड़ा चम्मच भर के रिफाइंड ऑयल लिया है और ये गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें पहले डाल देते हैं जीरा। और अब हमने ये जो पेस्ट बनाकर तैयार किया था ये हम इसमें डाल देंगे। हाई फ्लेम पर हमें इसको अच्छे से भूनना है। जब तक मसाला हमारा भुन रहा है तब तक मैं
मशरूम को ऐसे 4 पीसेस में मैं ऐसे कट कर रही हूँ इसको, देखिए इस तरीके से 4 पीसेस में मैं कट कर लेती हूँ सभी मशरूम। मशरूम में हाई प्रोटीन होता है, हमें अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन मिलता है और मटन के साथ तो बहुत ही टेस्टी भी बहुत लगती है, मेरी फेवरेट सब्जी है ये। सभी मशरूम को मैं 4 पीस में कट कर रही हूँ। हम जैसे चाहें वैसे इसकी शेप रख सकते हैं, लेकिन हम मटर के साथ चूंकि इसको बना रहे हैं तो मटर के साथ मैच करता हुआ ही अगर हम मशरूम का भी साइज रखें ज्यादा अच्छा है। सभी मशरूम मैंने इस तरीके से 4 पीसेस में कट कर ली हैं। मसाला चेक करते हैं कि क्या हुआ। अभी इसमें पानी है, जब तक पानी है ये पकता नहीं है, हमें इसे भी और पकाना है। देखिए फाइनली अब टमाटर और प्याज में से पानी पूरा सूख गया है, तो अब हम इसमें ये क्रीम और हमारे जो मिले हुए मसाले हैं ये ऐड कर देते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको। पानी हम थोड़ा ही इसमें यूज करेंगे। गार्लिक पेस्ट है, वन एंड हाफ टेबल मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ये पानी। अब इसमें डाल देते हैं फ्रोजन मटर। मशरूम मिक्स कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, अभी हमें इसमें और पानी डालने की जरूरत नहीं है। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी इसकी लगा लेते हैं कि मटर ही होनी है और मशरूम भी, तो मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है और अब इसे बंद कर देते हैं। 2 सीटी के बाद हम इसे, जैसे ही कुकर खुल जाएगा तब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हुई है। देखिए फ्रेंड्स, कुकर खुलने के बाद मैंने उसमें डाला है गरम मसाला और अब मैंने इसको सर्व किया है। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हुई है, इसकी खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है। फ्रेंड्स, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।